प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना वॉरियर्स आशा बहनों ने सरकार द्वारा दूर व्यवस्थाओं से तंग होकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार सेवाएं देने के बाद भी उन्हें उचित सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी जिम्मेदारी आशा और आशा संगिनी के कंधों पे पूरा NHM टिका हुआ है, लेकिन कभी कोई ये ध्यान नहीं देता कि ये कंधा मजबूत है या टूट ना जाए कहीं। इतना मजबूत नहीं किया गया किसी ने, और इसे तोड़ने के लिए पूरे भार आशा और आशा संगिनी पे चला दिया गया। अगर एक छोटा सा भी प्रोग्राम चलता है तो पहले सबसे पहले एक मैसेज डाल देंगे आशा संगिनी के लिए। अब वो आशा संगिनी चाहे मरे चाहे जिए, चाहे जैसे 20 हो 25 हो, चाहे जितने भी आशा हैं, सबको सूचित करें। और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होगा सबके लिए 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है। यदि 8 घंटे के बाद 1 घंटा भी काम करता है, आधे घंटा भी काम करता है, तो उसका ओवर सैलरी उसको मिलता है, पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। विजिट के नाम पे दिया जाता है, और बार बार हमें धमकी भी दी जाती है कि आपके खिलाफ लेटर जारी कर दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सुविधाएं नहीं मिलने के कारण शास्त्री घाट पर लगभग 50 से अधिक संख्या में आशा बहनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि कोरोना काल में भी अनवरत कार्य करने वाली आशा बहनों को सरकार द्वारा उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए खुद आशा बहनों ने अपने संगठन तैयार कर ली है, जिसकी जानकारी मीडिया को देते हुए सुविधाएं नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।